लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में हम लोग आ चुके हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने के लिए। स्वच्छता का क्या आलम है इसको जानने के लिए हम इस हॉस्पिटल में आ चुके हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिवस है। हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं और देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वच्छता कार्यक्रम का नारा दिया गया है उसका क्या असर है इस हॉस्पिटल में। जब हम लोग यहां पर आए हैं तो यहाँ पर है सो कोई व्यवस्था नहीं थी। सफाई कर्मी जब यहाँ पर पहुंचे तो इसे देखते हुए लोगों ने झाड़ू उठा लिया। यहाँ पर गंदगी बिखरी हुई है, उधर गंदगी बिखरी हुई है और लोग साफ सफाई करने के लिए उद्दत हो गए। इसको हम लोग आपके सामने में दिखाने के लिए आ गए हैं और देखिए इस रिपोर्ट का क्या कुछ असर पड़ता है। बहुत सारी खामियाँ नजर आई है और उन सारे खामियों पर मरीजों से पेशेंट से बातचीत हुआ है। हम सुपरिटेंडेंट से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास क्या उपाय। यह शौचालय बहुत काफी बदबू आ रही है, यहाँ से मरीज यहीं पर शौचालय का उपयोग करते हैं। ये दोनों शौचालय है, काफी गंदगी है। आज 2 अक्टूबर है, स्वच्छता दिवस है और इस स्वच्छता दिवस के अवसर पर यहाँ पर शौचालय की साफ सफाई नहीं की गई है और ये आलम है यहाँ पर शौचालय का। हम चाहेंगे कि कुछ और भी एंगल से आपको शौचालय की स्थिति से अवगत कराएं। आपने इस वीडियो में बदबूदार शौचालय, बजबजाती एवं खुली नालियां, इमरजेंसी के सामने बिखरा कचरा, बिखरा पड़ा मेडिकल वेस्ट देखा है। इस वीडियो का मकसद देश के नागरिकों के पैसे से चल रहे हॉस्पिटल की अव्यवस्था एवं कमियों को उजागर कर सरकार को आईना दिखाना है एवं जनता को आंदोलित करना है ताकि कुछ सुधार हो सके।